लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ बीएड प्रवेश परीक्षा का विरोध कर रहा है। 9 अगस्त को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है जिसमें लाखों परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर लूटा के महामंत्री विनीत वर्मा का कहना है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए परीक्षा निरस्त करने की मांग की है। बता दें, प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 4658 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 61 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1918 हो गई है। और इस तरह राज्य में एक दिन में संक्रमण और मौत के सर्वाधिक मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,80,000 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने बीएड प्रवेश परीक्षा को निरस्त करने की मांग की है। प्रदेश में 9 तारीख को बीएड का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना है। इसमें अभिभावकों और परीक्षार्थियों को मिला लिया जाए तो लगभग 10 लाख लोगों का मूवमेंट होना निश्चित है। कोरोना की महामारी आप सभी जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी फैली हुई है और इस परीक्षा की वजह से काफ़ी संख्या में लोग चपेट में आ सकते हैं, तो ये परीक्षा जोखिम भरी साबित हो सकती है उनके लिए। तो ऐसे में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि या तो इस परीक्षा को उचित समय तक के लिए टाल दिया जाए या फिर बीएड एडमिशन के लिए किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जाए।